हेलो गाइस, सो हम फ्रिक्शन चैप्टर के अंदर थे और हमने फ्रिक्शन के पहले लेक्चर में थ्योरी डिस्कस करी और बाद के दो लेक्चर्स में प्रॉब्लम्स डिस्कस करे, जिसमें से कि एक बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स थे जो कि प्रॉब्लम्स की फर्स्ट लेक्चर थी फ्रिक्शन के अंतर्गत, और दूसरी लेक्चर थी जिसमें हमने इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन लिया था और हमने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। बट ये लेक्चर बहुत ही स्पेशल है फ्रिक्शन के रिगार्डिंग, क्योंकि ये लेक्चर में मैं ब्लॉक प्रॉब्लम्स को बहुत ही विस्तार से डिस्कस करूँगा। जब फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स होती है, बहुत सारी ब्लॉक्स इन्वॉल्व होती है, कभी आप ऊपर के ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो, कभी बीच के ब्लॉक पे, कभी नीचे के ब्लॉक पे, कभी इंक्लाइन प्लेन पे दो ब्लॉक्स रखी हुई हैं, तो वैसे केसेस में किस किस टाइप की क्वेश्चंस बन सकती हैं और हम उन्हें कैसे अटेम्प्ट करके सॉल्व करेंगे। और गाइज, इस लेक्चर में भी मैंने सारे प्रॉब्लम्स एचसी वर्मा से ही लिए हैं। तो चलो, दिस इज लेक्चर नंबर 16 ऑफ चैप्टर 6 फ्रॉम एचसीवी, फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, और ये क्लास 11th फिजिक्स के प्लेलिस्ट के अंतर्गत है। अब ये लेक्चर नंबर 16 काफ़ी बड़ी होने के कारण एक रीसेंट डेवलपमेंट है कि मैंने इस लेक्चर के तीन क्वेश्चंस को दो अलग अलग वीडियो में स्प्लिट कर दिए। मतलब क्वेश्चन 1 और 3 मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक ऐसा क्वेश्चन है कि तीन ब्लॉक्स है, एक के ऊपर एक रखी हुई, और तब हमें डील करनी है उस क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट्स। उस क्वेश्चन को मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा जो कि इसके बाद आएगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 इन दिस वीडियो और क्वेश्चन नंबर 2 विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो, बट दैट विल बी ऑल्सो द लेक्चर नंबर 16। सो लेक्चर नंबर 16 इज गोइंग टू हैव टू पार्ट्स, दिस इज द पार्ट 1 और जो इसके बाद आएगी वो पार्ट 2 होगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें कि क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 क्यों बोल रहा हूँ। बेसिकली क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद के वीडियोज में मैं बिल्कुल ही डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा रीजन ये क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने स्प्लिट कर दिया है टू पार्ट्स में, दैट्स ऑल। तो चलो शुरू करते हैं। सो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि फिगर शोज टू ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 kg और 2 kg ब्लॉक्स जो कॉन्टैक्ट में है, और वो स्लाइडिंग डाउन कर रही है एन इंक्लाइन सर्फेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 degree, ऐसा गिवन है, आपको दिख भी रहा है इस फिगर में। द फ्रिक्शन कोफिशियंट बिटवीन द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड द इंक्लाइन इज म्यू वन। यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशियंट है वो म्यू वन है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशियंट है वो म्यू टू है, ठीक है, 4 kg और इंक्लाइन के बीच में। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक की एक्सेलरेशन हमें चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। If A is mu1 is equals to 0.20 and mu2 is equals to 0.30, और B में कुछ रिवर्स कर दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम A केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे जो mu1 है वो 0.20 है और mu2 है वो 0.30 है, ठीक है, ये हमारे पास पहला केस है। सो ऐसे केसेस में कभी भी आप सबसे पहले क्या करो, जब भी दो ब्लॉक्स ऐसे अलग अलग दी गई है कॉन्टेक्ट में है, तो आप सबसे पहले ये दोनों को एक कॉमन ब्लॉक मान लो जहाँ पे दोनों की मासेज आप ऐड कर दो। सो इन दोनों को कॉमन ब्लॉक मैंने मान लिया, इसकी मास क्या हो गई 6 kg, 4 + 2 दैट इज 6 kg, और इस 6 kg के लिए मैंने फिर यहाँ पे फोर्स लगा दी 6g साइन ऑफ 30 degree। अब मैं बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा, आपको आता है ऐसे फोर्स लगाने के लिए, अगर नहीं आता तो मेरी पिछली वीडियोज़ को जाकर आप देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया उसमें, ठीक है, 6g साइन 30 degrees। और पीछे की तरफ क्या फोर्स होगी यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगी। बट वेट, यहाँ जो 2 kg और इंक्लाइन के बीच में है वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू वन है, बट जो 4 kg और इंक्लाइन के बीच में है वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू टू है। सो आप ऐसी अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है दोनों ब्लॉक्स के लिए। सो आपको इस केस में इंडिविजुअल ही डील करना पड़ेगा इन दोनों ब्लॉक्स के साथ में, और कोई चारा नहीं है। बट जनरली ऐसा प्रोसीजर है कि जब भी दो ब्लॉक्स हो, एक के ऊपर एक ब्लॉक्स रखी हुई है, तो आप पहले साथ में ही एक्सेलरेशन लेके देखो, बट इस केस में वैसा पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स डिफरेंट हैं जैसे कि दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो चलो हम इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इंडिविजुअली कैसे करें इस क्वेश्चन को, वेल जो आपको पहला क्लू है वो म्यू के वैल्यूज से मिल सकता है। देखो म्यू वन जो है वो 0.2 है, म्यू वन क्या पीछे वाला, और म्यू टू है जो 0.30 है। सो म्यू वन जो है वो लेस है, म्यू टू जो है मोर है। म्यू टू मोर है मतलब 4 kg ब्लॉक्स को ज़्यादा अच्छे से रोक रहा है फ्रिक्शन, जबकि 2 kg ब्लॉक को थोड़ा जाने दे रहा है फ्रिक्शन। ऐसा आप फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स को देख के बता सकते हो। सो अगर मैं 4 kg मास के लिए लिखूं मोशन, मतलब इक्वेशन, फोर्स वाली इक्वेशन, सेकंड लॉ, सो क्या होगा, 4g साइन ऑफ 30 degrees, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में, इस तरफ मैं एक्सेलरेशन मान रहा हूँ दोनों की, जो कि ऑब्वियस है, ठीक है। सो 4g साइन 30 degrees माइनस ऑफ, अभी देखो और कौन कौन से फोर्सेज इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, 4 kg 2 kg है, 2 kg धक्का दे रहा है 4 kg को, सो यहाँ पे एक ऐसा पी आएगा रिएक्शन, और सेम रिएक्शन 2 kg पे पीछे की तरफ आएगा पी, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 2 kg है और ये 4 kg है। सो ये जो 2 kg वाली ब्लॉक है
वो 4 kg वाले ब्लॉक को आगे ऐसे धक्का देगा पीछे, तो 4 kg ब्लॉक भी 2 kg वाले ब्लॉक को ऐसे पीछे धक्का देगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये वाली पी मैं कंसिडर कर रहा हूँ जो कि रिएक्शन है दोनों के कॉन्टैक्ट पॉइंट के बीच में। ठीक है, सो 4g साइन ऑफ 30 प्लस ऑफ पी, क्योंकि ये 4 kg वाले को नीचे धकेल रहा है, माइनस अब फ्रिक्शन आएगी यहाँ पे रोल प्ले करेगी अपनी, और कितना होगा वो म्यू टू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल कितना होगा 4g कॉस ऑफ 30। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4a 2 मान लो, क्योंकि यहाँ पे म्यू टू हमने लिया है। मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ कि दोनों की एक्सेलरेशन डिफरेंट है इनिशियली। अब 2 kg के केस में आप देखोगे तो क्या होगा, 2g साइन ऑफ 30, ठीक है, माइनस ऑफ p, क्योंकि पीछे धकेलेगा p उसको, एंड माइनस ऑफ इसके केस में फ्रिक्शन म्यू 1 2g कॉस ऑफ 30 degrees। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 into a 1। सो ये होगा हमारे पास इक्वेशन 1, ये होगा हमारे पास इक्वेशन 2। हमने दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन डिफरेंट ली है, और ये पी फोर्स इसलिए लग रही है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कॉन्टैक्ट है दोनों के बीच में, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है। अब इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है और ये फ्रिक्शन लग रही है, इसका मतलब क्या है, अगर आप कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिखा रहे हो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के एक्सेलरेशन सेम है, सेम ही एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। अगर दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे नहीं जाती, 4 kg वाले की एक्सेलरेशन ज़्यादा होती, 2 kg वाले की कम होती, तो आपको इसकी एक्सेलरेशन A1 लेनी पड़ती या A2, या इसकी A2 या A1। ठीक है, और ऐसा तभी होता जब 4 kg की एक्सेलरेशन ज़्यादा होती, अगर 2 kg की एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो 4 kg को भी अपने साथ धक्का देगा और ये पी फोर्स करेगा और दोनों की एक्सेलरेशन को सेम करने की कोशिश करेगा। ये आप यहाँ पे ध्यान से सोचो, देखो मैं बार बार चीज़ों को इतनी क्लैरिटी से बता रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर 4 kg वाली मास है हमारे पास और उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है 2 kg वाली मास से, तो ऑब्वियसली दोनों सेपरेट हो गई, 4 kg आगे निकल गया, 2 kg वहाँ पे रह गया। बट अगर 2 kg वाले का ज़्यादा है एक्सेलरेशन 4 kg वाले से, तो ये आके धक्का मारेगा 4 kg वाले को और तभी ये पी फोर्स जनरेट हो रहा है। और ऐसा करने से 2 kg क्या चाहेगा, चाहेगा नहीं, उसके पास अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है बल्कि दोनों को सेम एक्सेलरेशन के अलावा ट्रैवल करने के। ठीक है, क्योंकि वो धक्का मारेगा और ये रिएक्शन यहाँ पे पी और उस पर भी पड़ेगी। सो ये यही वाला केस है, और ऐसा केस क्यों जनरेट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो म्यू वन है वो कम है फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू टू से। इसका मतलब ये है कि रुकावट जो है 2 kg वाले ब्लॉक पे कम आ रही है और 4 kg वाले ब्लॉक पे ज़्यादा आ रही है। सो 4 kg जो है वो थोड़ा स्लोली मूव कर पा रहा है और 2 kg थोड़े ज़्यादा एक्सेलरेशन से मूव कर पा रहा है, और इसलिए ये पी जनरेट हो रहा है। सो यहाँ पे A1 A2 कुछ नहीं बल्कि सेम है, A1 इज इक्वल्स टू A2। अगर ऐसा नहीं होता तो पी फोर्स होता ही नहीं आपके पास। ठीक है, सो दिस इज जस्ट ए एंड दिस इज ऑल्सो ए। सो देखो, ये था हमारा इक्वेशन 1 और ये था हमारा इक्वेशन 2। अब मैं A1 इज इक्वल टू A2 को A ले चुका हूँ। ठीक है, क्यों, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप जब ऐड करोगे तो ये पी पी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों ऐड हो जाएगा। सो 4g साइन थीटा प्लस 2g साइन थीटा इज व्हाट, 6g साइन 30, दैट इज 1/2 माइनस ऑफ, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, म्यू टू मल्टीप्लाइड बाई 4g कॉस ऑफ 30 माइनस ऑफ म्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2g कॉस ऑफ 30, दैट इज इक्वल्स टू 6a, 4 + 2 = 6। अब म्यू 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.20, और म्यू 2 की वैल्यू जो है वो 0.30 है। सो चलो इन दोनों की वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे रखता हूँ। दिस इज़ एक्चुअली 2 × 3 = 6, सो 30 माइनस म्यू 2 कितने अपने पास, 0.3 इंटू 40 इंटू √3/2 माइनस ऑफ 0.20 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई √3/2, दैट इज इक्वल्स टू 6a। और यहाँ से जब आप a कैलकुलेट करोगे इतनी सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद, सो वो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 2.7 m/s² ये आएगी आपकी एक्सेलरेशन, जो कि दोनों के लिए सेम होगी। A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू 2.7 m/s². मतलब कि फर्स्ट केस में ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेगी, और मैं बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि 2 kg के केस में फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम है और 4 kg के केस में ज़्यादा है, तो इस पर ज़्यादा रुकावट हो रही है 4 kg के केस में, 2 kg के केस में कम हो रही है। सो 2 kg वाला क्या करेगा, ज़्यादा एक्सेलरेशन के कारण 4 kg वाले को धक्का देगा पी से, ताकि दोनों साथ में मूव कर सके विद सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, सो पार्ट ए हो गई 2.7 m/s². पार्ट बी क्या है, पार्ट बी जैसा कि मैंने बोला था जस्ट रिवर्स है,
म्यू वन जो है वो है 0.30 और म्यू टू जो है वो है 0.20। अब देखो केस चेंज हो गई, एच सी वर्मा सर ने कितने अच्छे से क्वेश्चन को रखा है, बिल्कुल ही अच्छे से रखा है खूबसूरती के साथ। एक केस में क्या कर रहे हैं वो कि 4 kg वाले को धीरे मूव करवा रहे, 2 kg वाले को ज़्यादा मूव करवा रहे ताकि दोनों की एक्सेलरेशन सेम हो। और दूसरी ही केस में क्या किया उन्होंने कि इसको रिवर्स कर दिया। अब क्या है, 4 kg वाला ज़्यादा से मूव करेगा, क्यों? क्योंकि 4 kg वाले के केस में जो म्यू टू है वो कम है, मतलब इसमें रुकावट कम पैदा हो रही है। तो 4 kg वाले की एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, 2 kg वाले की एक्सेलरेशन कम होगी क्योंकि उसकी फ्रिक्शन कोफिशिएंट अब ज़्यादा है। इस कारण से क्या होगा, अब दोनों की एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी इस केस में। बहुत ही सही क्वेश्चन है ये। तो इस केस में आप इक्वेशन दोनों ही केस में डिफरेंट लिखोगे, मतलब 4 kg के लिए और 2 kg के लिए। तो चलो हम लिखते हैं इस केस में। सो 4 kg के लिए अगर मैं लिखूं क्या होगा, 4g साइन ऑफ 30 माइनस ऑफ, अब यहाँ पे देखो कोई भी p नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि दोनों सेपरेट हो चुकी हैं, दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, तो सिर्फ फ्रिक्शन ही लगेगा यहाँ पे, और जो मास के कारण है वो म्यू टू इंटू 4g कॉस ऑफ 30 और दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू a1 और a2 बोलो इस केस में, क्योंकि मैंने यहाँ पे म्यू टू लिया है। और 2 kg वाले ब्लॉक के केस में क्या होगा, 2g साइन ऑफ 30 माइनस ऑफ म्यू वन इंटू 2g कॉस ऑफ 30 दैट इज इक्वल्स टू 2a1 और म्यू टू इस केस में कितना है, 0.20 है। सो दिस माइनस ऑफ 0.20 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 दैट इज इक्वल्स टू 4a2 और यहाँ पे 2g/2 माइनस ऑफ दिस इज 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 दैट इज इक्वल्स टू 2a1। सो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 4g/2 माइनस ऑफ 0.20 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 इज इक्वल्स टू 4a2 और यहाँ से आप अगर a2 कैलकुलेट करोगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 3.27 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से 2 कैंसल्ड आउट, दिस इज 10 माइनस ऑफ 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 बिकॉज दिस इज 10 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज इक्वल टू 2a1 और यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो a1 आएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों के एक्सेलरेशन डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि अब आगे वाली ब्लॉक जो है उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है क्योंकि उसकी फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो कम है, बट पीछे वाले की ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रुक रही है, फ्रिक्शन उस पर ज़्यादा रुकावट पैदा कर पा रहा है। सो ये था सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है। बट एक्चुअली जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ 2 kg वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन पूछी गई है, सो आंसर होगा 2.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड केस में, और फर्स्ट केस में तो दोनों कॉमन ही है। सो ये देखो, दो पार्ट यहाँ पर रखने का यही मोटिव था कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है जब उसे इंटरचेंज किया जाए सेम उन दोनों ब्लॉक्स पे, जिस पे फर्स्ट केस में ये लग रहा था और सेकंड केस में ये लग रहा है। सो इसका कितना बड़ा महत्व है, आप फ्रिक्शन कोफिशिएंट जस्ट बदल दो एक वैल्यूज़ में, इंटरचेंज कर दो, तो मोशन में कितना बड़ा चेंज हो जा रहा है। एक बार ही दोनों साथ में मूव कर रहा है और एक बार ही दोनों सेपरेट मूव कर रहा है। सो ये सब आप ध्यान से देखो, इसको ध्यान से सोचो, ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा खुद से बनाओ, तभी आपकी कमांड होगी इस चैप्टर पे, फ्रिक्शन चैप्टर पे, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा है कि द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स, ये पहला ब्लॉक स्मॉल मास एम वाला और ये दूसरा ब्लॉक कैपिटल मास एम वाला शोन इन फिगर इज म्यू। सो यहाँ पे जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट वो म्यू है, ये गिवन है। बट द फ्लोर इज स्मूथ, ये जो फ्लोर है यहाँ पे म्यू कितना है, 0 है। वॉट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, दिस वन कैन बी अप्लाइड विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। ओके, ऐसा कह रहा है कि ये सिस्टम के इक्विलिब्रियम को बिना डिस्टर्ब किए कितनी मैक्सिमम ये फोर्स लगाई जा सकती है इस ऊपर वाले स्मॉल मास एम पे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि इस सिस्टम पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है, ऊपर वाले ब्लॉक पे और नीचे वाले ब्लॉक पे। और क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं करना है, इनिशियली इक्विलिब्रियम पे है, मतलब क्या, इनिशियली रेस्ट पे है। सो आप कितनी मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हो कि ये रेस्ट पे ही रहे, मोशन पे ना आए, और इस फ्रिक्शन की प्रेजेंस में जो कि स्मॉल मास एम और कैपिटल मास एम के इंटरफेस पे है, जबकि नीचे वाले इंटरफेस पे 0 फ्रिक्शन है, मीन्स फ्लोर स्मूथ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोर्सेस दिखाते हैं यहाँ पे। तो अगर फोर्सेस दिखाई जाए तो यहाँ पे ये टेंशन टी हम जस्ट सपोज कर रहे हैं स्ट्रिंग पे, और ये क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है, सो इस पे भी टेंशन टी ही होगा यहाँ पे।
ठीक है, और यहाँ पे ये फोर्स F लग रही है स्मॉल मास M पे, और क्योंकि ये फोर्स F लग रही है तो हम मानते हैं ऐसा कि इसकी टेंडेंसी जो है वो इधर जाने की है, ठीक है, इधर जाने की टेंडेंसी हम ऐसा सपोज कर रहे हैं स्मॉल एम मास की इधर जाने की टेंडेंसी है, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो जैसे जैसे आप इस फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करोगे सो इस स्मॉल मास एम की टेंडेंसी इधर जाने की बढ़ेगी, दैट्स वाई आई एम सपोजिंग दिस डायरेक्शन, ओके। और जैसे ही ये इस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो ये स्ट्रिंग क्या होगा, इस डायरेक्शन में टॉट होगा, इस वाले डायरेक्शन में, और ये इधर से इस वाले डायरेक्शन में, और ये कैपिटल मास एम की टेंडेंसी इधर जाने की होगी तब इस तरफ, ठीक है। और क्योंकि ये स्मॉल मास एम जो है वो इस तरफ जाएगा, इसलिए जो फ्रिक्शन है वो इस पे इस डायरेक्शन में लगेगी, पीछे की डायरेक्शन में, और कितनी, म्यू इंटू एम इंटू जी। म्यू एम जी क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो है इस पे वो कितना होगा, ये नीचे एम जी, ठीक है। कैपिटल एम नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ये स्मॉल एम के बारे में है और ये कैपिटल एम के ऊपर रखा हुआ है, सो जस्ट नॉर्मल बहुत ही ईजी है यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू एम जी, इसलिए मैंने म्यू एम जी लिखा। और क्योंकि ये स्मॉल मास एम पे इस तरफ लग रही है ये फ्रिक्शनल फोर्स, तो नीचे वाले मास पे ये इस तरफ लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो अब ऊपर वाले मास की सबसे पहले मैं फोर्स बैलेंस लिखता हूँ, क्योंकि मोशन नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम में रखना है मैं सिस्टम को, सो जस्ट फोर्स बैलेंस करना है आपको। सो लेफ्ट डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स है, एफ है बस, दैट इज इक्वल्स टू टी प्लस ऑफ म्यू एम जी फॉर स्मॉल मास एम ब्लॉक, और नीचे वाले पे म्यू एम जी जो है वो टेंशन के बराबर होगा क्योंकि और कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ से मिल गया हमें इससे टेंशन इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, जस्ट इसको यहाँ पुट करो, देन फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, म्यू एम जी प्लस ऑफ म्यू एम जी, दैट इज टू म्यू एम जी। सो ये होगा आंसर पहले केस में, मतलब जो मैक्सिमम फोर्स है हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि बिना इक्विलिब्रियम सिस्टम के डिस्टर्ब किए लगा सकते हैं हम वो ऊपर वाले मास पे स्मॉल एम मास पे, वो कितना हो सकता है, वो टू म्यू एम जी हो सकता है। तो चलो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया और काफ़ी आसानी से सॉल्व हुआ, कोई भी हमें मशक्कत नहीं करनी पड़ी। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, सपोज द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड इज डबल ऑफ दैट फाउंड इन पार्ट ए, पार्ट ए पे क्या मिला हमें, टू म्यू एम जी। सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि इसका डबल अगर कर दिया जाए इस फोर्स को, मतलब ये फोर्स अब 2 मल्टीप्लाइड बाई टू म्यू एम जी हो जाए, मतलब 4 म्यू एम जी हो जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है, आगे पढ़ते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू मासेस, ओके, तब स्मॉल मास एम और कैपिटल मास एम की एक्सेलरेशन निकालनी है। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सो अब फोर्स कितना है, ये फोर्स की वैल्यू दी गई है हमें 4 म्यू एम जी, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, बाकी सारी चीज़ें कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगी, बट अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी, अब दोनों मासेस रेस्ट पे नहीं बल्कि एक्सेलरेशन पे होगा। तो टेंशन तो यहाँ पे मैं टी सपोज कर रहा हूँ इस केस में भी, बट पहले वाले केस से डिफरेंट हो गया टेंशन, ठीक है, सेम नहीं है, बट मैं सेम टी लिख रहा हूँ इसको भी, यहाँ पे भी टी, और अभी पहले ही इस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी थी, तो अभी तो और भी ज़्यादा इस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी होगी, क्यों, क्योंकि फोर्स को डबल कर दिया गया है, तो फ्रिक्शन अभी भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू अभी भी सेम ही होगा म्यू एम जी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं हुआ है, आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स ऐड किए हो, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं ऐड किए हो, सो नॉर्मल इज नॉट गोइंग टू चेंज, ओनली चेंज इज देयर इन दी हॉरिजॉन्टल फोर्स, दैट इज 4 म्यू एम जी, इट हैज इंक्रीज टू 2 टाइम्स, और क्योंकि इधर है इस पे फ्रिक्शनल फोर्स, तो नीचे वाले मास पे क्या होगा, इधर होगा म्यू एम जी, और इधर ये टी ही है हमारे पास, ठीक है, मतलब टेंशन में भी कोई चेंज नहीं हुआ क्या, नहीं, ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि अब जो है वो दोनों मासेस की एक्सेलरेशन है, अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है बल्कि एक्सेलरेशन है, सो ऊपर वाली मास इस तरफ एक्सेलरेट करेगी, सपोज करो ए वन से, सो नीचे वाला मास जो एम है वो इस तरफ एक्सेलरेट करेगा ए टू से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ गौर देने वाली बात है, जो कि मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर्स में डिस्कस किया था, कि सेम स्ट्रिंग है यहाँ पे, एक ही स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग इन दोनों मासेस से कनेक्टेड है, और ये स्ट्रिंग टेंशन में, मतलब कहीं पे भी लूज़ नहीं हो रही है ये स्ट्रिंग, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये मास एक्स डिस्टेंस इधर मूव करेगा स्मॉल मास एम, सो कैपिटल मास एम को इस डायरेक्शन में एक्स मूव करना ही पड़ेगा, तभी जाके ये स्ट्रिंग पे टेंशन बरकरार रहेगी, वरना ये टेंशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा अगर स्ट्रिंग थोड़ी भी ढीली हो गई तो, ठीक है। सो ए वन और ए टू सेम होगा इस कारण से, दैट इज इक्वल्स टू ए, जस्ट हम सपोज कर रहे हैं, क्यों सेम होगा, क्योंकि आप इस एक्स को डबल बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो dx by dt and d2x upon dt2, तो वो acceleration ही होगा, क्या मैं बोल रहा हूँ, dx upon dt एक बार differentiate किया v आया, फिर दो बार differentiate किया ये acceleration आया, so this is acceleration, ठीक है, a1 is equals to a2 is equals to a, so इन दोनों की acceleration सेम होगी, ऊपर वाले मास की नीचे वाले मास की, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है उस पर टेंशन है, स्ट्रिंग ढीली नहीं हो रही है बीच में, तो ये क्लियर है। सो अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ,
एफ जो है वो 4μmg माइनस ऑफ दिस टेंशन एंड माइनस ऑफ दैट फ्रिक्शन μmg दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू ए. ये फर्स्ट इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन इस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी, एक्चुअल मूवमेंट नॉट टेंडेंसी ओनली. सो टी माइनस ऑफ μmg दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल m इंटू ए. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है. सो मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, क्योंकि तभी ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा जो कि ए होगा. सो सबसे पहले तो 4μmg माइनस ऑफ μmg दैट इज 3μmg, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये टी कैंसिल आउट हो गया, एक माइनस μmg और आया. दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई ए. और यहाँ से ये क्या हुआ, 2μmg अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम दैट इज इक्वल्स टू ए. सो ये हमारे पास आंसर हो गया इस केस में. दोनों की एक्सेलरेशन सेम, 2μmg अपॉन एम प्लस ऑफ एम दैट इज कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम, बट एक का डायरेक्शन इस तरफ ए का, तो एक का डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है. मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे का. इतनी समझ में आ गई हमें, ठीक है. तो इसका भी आंसर आ गया हमारे पास. अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का. दैट सपोज द इंटायर सिस्टम इज केप्ट इनसाइड एन एलिवेटर. नाउ यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है. अब इस पूरे सिस्टम को आपने एलिवेटर पे जाके रख दिया, विच इज़ कमिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए दैट इज स्मॉलर देन जी. रिपीट पार्ट्स ए एंड बी, ठीक है, ए और बी पार्ट्स को मैं रिपीट करूँगा ये मान लेने के बाद. तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको. तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जब इस पूरे सिस्टम को लिफ्ट में रख दिया जाए और लिफ्ट नीचे आ रही है विद एन एक्सेलरेशन ए, सो ये जो लिफ्ट है हमारी वो अब क्या है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रही है नीचे. और हम ऑब्जर्वर अगर इस लिफ्ट पे ही ले लें तो क्या हुआ, वो ऑब्जर्वर जो है वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हुआ. और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हुआ इसका मतलब ये है कि हमें सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. वी नीड टू हैव अ सूडो फोर्स ऑन दिस सिस्टम. अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो आपको सूडो फोर्स ऊपर की तरफ देना होगा. कितना देना होगा, मास इस पार्टिकल का, इस ब्लॉक का दैट इज एम, और एक्सेलरेशन लिफ्ट का दैट इज ए, ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि लिफ्ट नीचे के डायरेक्शन में जा रही है. और ये सब मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ न्यूटन्स लॉज वाले चैप्टर में. सो आप उसको एक बार देखो, उसके सूडो फोर्स वाले प्रॉब्लम्स को देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ. और नीचे वाले नॉर्मल के बारे में हमें कोई वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे म्यू ऑलरेडी जीरो है. यहाँ पे ही जो म्यू है उस पे अगर हम एन मल्टीप्लाई करें सो वो एन की वैल्यू जो है वो पहले वाली नहीं होगी स्मॉल एम इंटू जी, बल्कि ये एम ए के कारण चेंज हो जाएगी. इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मीनिंग है इस सूडो फोर्स का, इस वाले इंटरफेस पे, यहाँ वाले इंटरफेस पे, और बाकी की चीज़ें सेम ही रहने वाली है. और हमें वापस से पार्ट ए और बी को रिपीट करना है, उसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले पार्ट ए देखते हैं. पार्ट ए देखने से भी पहले सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, ठीक है. सो नॉर्मल कैसे निकालोगे आप, ये नीचे एम जी है और ऊपर एक ऐसे नॉर्मल है. तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्लस ऑफ एम ए इज इक्वल्स टू एम जी, ठीक है. सो यहाँ पे नॉर्मल कितना निकल कर आया, एम जी माइनस ऑफ एम ए. दिस इज़ आर न्यू नॉर्मल. तो सिर्फ इस केस पे ही नहीं, एक्चुअली इसका जो नेक्स्ट सवाल है जो एच सी मामा सर ने लिखा है, इस सवाल का अगला सवाल, उसमें उन्होंने कुछ चार्ज ऊपर पे रख दिया यहाँ पे, और उस चार्ज की एक्चुअली में जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू है, कैपिटल क्यू है, और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है. सो अपवर्ड होने के कारण इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, इसके अपर सर्फेस पे एक्चुअली चार्ज है, तो इसके अपर सर्फेस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स क्यू, और डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर होगा, क्योंकि ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव दे रखी है. सो प्लस क्यू एंड प्लस ई ऊपर के डायरेक्शन में. सो ऊपर के डायरेक्शन में एक नेट फोर्स आएगा क्यू इंटू ई, और बाकी चीज़ें सेम होंगी. फिर अगेन नॉर्मल रिएक्शन आप निकालोगे तो एम जी माइनस ऑफ क्यू इंटू ई हो जाएगा. सो बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली है उस क्वेश्चन में भी. सो आप इस क्वेश्चन का कर लो, फिर उस क्वेश्चन को ट्राई करना, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली. जस्ट आपको फोर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, एफ इजिकल्स टू क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन तो पता ही है, क्यू पॉजिटिव है और ई की डायरेक्शन ऊपर, सो ऊपर ही फोर्स लगने वाला है. तो सेम सिचुएशन होने वाली है एम ए की जगह पे, जस्ट क्यू ई आ जाएगी, क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. तो नॉर्मल रिएक्शन हमें मिल गया. अब पहला पार्ट अगर ए सॉल्व करें, सो अगेन यहाँ पे टी, इधर में फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल, इस पे इधर फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल, और ये टी. सो नीचे वाला देखें तो टी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल होगा, और नॉर्मल अब क्या है, एम जी माइनस ऑफ एम ए, ठीक है. और ऊपर वाले को देखें तो एफ इज इक्वल्स टू क्या है, टी प्लस ऑफ म्यू इंटू नॉर्मल, और टी हमें पता है म्यू इंटू एम जी माइनस ऑफ एम ए प्लस ऑफ म्यू इंटू एम जी माइनस ऑफ एम ए.
सो ये क्या हो गया, 2 इंटू म्यू इंटू एम जी माइनस ऑफ एम ए, दिस इज़ दी फोर्स। इतना मैक्सिमम फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो जब ये पूरी सिस्टम लिफ्ट में रखी गई है और लिफ्ट नीचे जा रही है एक्सेलरेशन ए से। सो पार्ट ए का ये आंसर होगा कि इतना मैक्सिमम फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो बिना एक सिस्टम के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किए, जो कि एक लिफ्ट में रखी हुई है और वो लिफ्ट नीचे जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ए। सो सेम है, जस्ट ये नॉर्मल फोर्स की वैल्यू चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि अब सूडो फोर्स आ गया। सो एक सूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट जो इसमें फ्रिक्शन वाले चैप्टर पे एडिशन हो गया, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने इस क्वेश्चन से सीखा। अब चलो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि जो सेम फोर्स था उसको टू टाइम्स कर दिया गया। सो क्या होगा, 4 इंटू म्यू इंटू एम जी माइनस ऑफ एम ए। अब फोर्स जो है वो इतनी है और नॉर्मल अगेन अभी भी उतना ही है। नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, एम जी माइनस ऑफ एम ए, ठीक है। और यहाँ पर टेंशन है, यहाँ पर टेंशन है, यहाँ पर फ्रिक्शन है म्यू इंटू नॉर्मल, इधर फ्रिक्शन है म्यू इंटू नॉर्मल। और इस डायरेक्शन में अब हम एक्सेलरेशन सपोज करते हैं ए डैश, इसका इस डायरेक्शन में ए डैश। कॉन्सेप्ट क्या हुआ मैं बता चुका हूँ, जस्ट कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, सिर्फ ये नॉर्मल रिएक्शन बदल गया है, ठीक है। सो ऊपर वाले के केस में अगर मैं फोर्स लूँ तो 4 म्यू इंटू एम जी माइनस ऑफ एम ए माइनस ऑफ टी माइनस ऑफ म्यू इंटू एम जी माइनस ऑफ एम ए, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज ए डैश। अगेन ये एक्सेलरेशन ए डैश और ये सेम रहने वाला है, इसलिए मैंने ए डैश ही लिया। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो टाइट ही रहेगी हमेशा। तो नीचे वाले केस में क्या होगा, टी माइनस ऑफ म्यू इंटू एम जी माइनस ऑफ एम ए इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू ए डैश। अब वापस से इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करने से टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर वाला क्या होगा, 3 इंटू म्यू एम जी माइनस ऑफ एम ए एंड दिस नीचे वाला माइनस ऑफ म्यू इंटू एम जी माइनस ऑफ एम ए, और ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, एम प्लस ऑफ एम इंटू ए डैश। सो यहाँ से ए डैश क्या आ जाएगा आपके पास, 2 म्यू एम जी माइनस ऑफ एम ए अपॉन एम प्लस ऑफ एम। सो ये होगा आपके पास आंसर सेकेंड पार्ट का। अब जस्ट अगर चार्ज होगा तो एम ए की जगह पे आप क्या लिखोगे, क्यू इंटू ई। सो वो आंसर हो जाएगा इस केस में, यहाँ पे क्या होगा, एम ए की जगह पे क्यू इंटू ई, जस्ट वो आंसर हो जाएगा इसके नेक्स्ट पार्ट वाले क्वेश्चन में, जो कि एच सी मामा की बुक में दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे जस्ट आपने एक्सेलरेशन वाली लिफ्ट पे इस पूरे सिस्टम को रख दिया जो कि नीचे एक्सेलरेट कर रही थी। सो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स है वो भी कम हो गई। वो कितनी हो गई, 2 इंटू म्यू इंटू एम जी माइनस ऑफ एम ए, इतनी हो गई। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम हो गई। सो अब फ्रिक्शन वो उतना ज़्यादा नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि म्यू इंटू एनी फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन उतना ज़्यादा नहीं अगर लगा सकता है तो क्या ये फोर्स भी हम उतना ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और इसलिए एक्सेलरेशन भी अब कम होगी, क्योंकि अब कम फोर्स का टू टाइम्स इस पर एक्चुअल में फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स ही हमारी कम आई और उसका टू टाइम्स किया, तो वो टू टाइम्स भी अब कम हो गया। टू टाइम्स कम हो गया तो दोनों की एक्सेलरेशन भी कम हो गई। सो ये इन्फेरेंस था इस क्वेश्चन का, एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के साथ एक सूडो फोर्स वाले क्वेश्चन के साथ इसको मिक्सअप करना एक बहुत ही कमाल का आइडिया था एच सी वर्मा सर का, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिविजन हो जाए और दोनों फ्रिक्शन और सूडो फोर्स वाले कॉन्सेप्ट को आप एक साथ देख लो और कैसे हैंडल करते हैं वो भी सीख लो। तो गाइज ये था आज की वीडियो में, अगली वीडियो में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ताकि आप एग्जाम्स में जाकर बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ बिल्कुल ही फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिना ही फंसे बिना ही टाइम वेस्ट किए। सो गाइज थैंक यू।